क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपन दे रहे थे धातु कॉन्सेप्ट। नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप उतना ही पढ़ लें और प्रैक्टिस करते रहें, हम भी प्रैक्टिस कराएंगे। अभी इस चैनल पर आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। आपकी पॉलिटी चल रही है और आपकी ज्योग्राफी चल रही है, साथ ही आपके एमपी प्लस के प्रीवियस ईयर के पूरे मैथ के सॉल्यूशन, पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो आप उसको भी देखें, और वो एक नई अप्रोच के साथ आप तुलना करके देख लेना। एक नई अप्रोच के साथ आपको सिखाया जा रहा है, और हमारा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन तक ले जाना। आपको बहुत मेहनत करनी है, मेहनत में कसर नहीं छोड़ना है, दिन रात पढ़ना है, अटूट मेहनत करना है। जब आपकी मेहनत करोगे तभी हमारी मेहनत भी सफल होगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने से हमें खुशी होगी, आपके सिलेक्शन से हमें खुशी होगी, और हमारा ये मनोबल बढ़ेगा कि हमारी पढ़ाई हुई स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। और यही हम चाहते हैं, आप कोई मेहनत में कसर मत छोड़ें, और हम आपको सिलेक्शन तक जरूर ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। देखिए, आज अपन पढ़ाएँ LCM और SCM के बारे में समझते हैं। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और SCM का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा के नाम क्यों पड़े हैं और कैसे इनका उद्घाटन हुआ, ये अपन सब समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर फ्रॉम से। इसका मतलब होता है लोएस्ट, SC का मतलब कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अपन LCM पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन LCM सीखेंगे, उसके बाद SCM सीखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। तो LCM बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे इसका उद्घाटन हुआ, मान लीजिए तीन लोग थे, तीनों लोगों से कहा गया। मान लीजिए तीन लोग कौन कौन है, मोहन, सुरेश और हरेंद्र, तीन लोग हैं। तीनों लोगों से कहा गया कि भाई, तीनों लोगों को से कहा गया कि भाई तुम साथ में देना हो। मोहन से कहा गया तुम्हारे साथ में देना आना है। ठीक है, तब क्या कहा गया, मोहन से कहा गया तुम्हारे साथ में देना हो। ठीक है, मोहन आने लगे भाई साथ में दे। ठीक है, और सुरेश से कहा गया तुम्हारे आठ में देना जाओ। सुरेश भी हर आठ में देने लगे। किसी कॉलेज में तीनों लोग पढ़ते हैं, कॉलेज के टीचर ने कहा कि भाई मोहन हो, आपको हर साथ में आना है। क्यों आना है, आपको बस आना है, और हम बताएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आप तीनों लोग एक साथ होंगे, वही दिन, उसी दिन के लिए, उसी दिन को बोलेंगे अपन लोएस्ट कॉमन मल्टी। तीनों लोग जब एक साथ मिलेंगे उसी से बनता है LCM, उसे कहते हैं LCM। वही चीज़ निकालना, बस पूरे LCM में यही चीज़ निकालना है आपको, कि जब तीनों लोग एक साथ मिल जाए वो दिन कौन सा होगा, जब तीनों को एक साथ बुलाया जाए, जब तीनों लोग एक साथ उपस्थित हो जाए कॉलेज में, तब कहोगे कि वो है LCM। करेक्ट, LCM की सिंपल सी डेफिनेशन, एक सिंपल समझना है सिंपल वर्ड में, कि तीनों लोगों का वह दिन जब तीनों लोग एक साथ मिल जाए उसको बोलते हैं LCM। बस इसी चीज को याद रखना। इसे कहेगा भैया आठ दिन आ जाओ। ठीक है, ये आठ दिन आने लगा। ठीक, अब ये 28वें दिन आएगा, फिर ये 35वें दिन आएगा, फिर ये 42वें दिन आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ये 49वें दिन, और फिर सीधे 56वें दिन, और ऐसे आता रहेगा। राइट है, और ऐसा आता रहेगा, ऐसा डॉट डॉट चलता रहेगा। राइट है, इसलिए क्या कहा गया भाई तुम हर 8वें दिन आओ, और हरन से कहा गया तुम हर 4वें दिन आओ। अब भाई हरन तो हर 4वें दिन आने लगे, तो हर 4वें दिन आने लगे, ये आने लगे भाई। तो भाई दिन बताना है कि जब तीनों लोग एक साथ मिल जाए, उसी को अपन LCM कहेंगे। क्या कहेंगे, LCM। अपन पढ़ा भी LCM अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आने लगे राइट, और तेरा दिन का चलता जा रहा। अब ये देखो हर 8वें दिन आने लगे हैं सुरेश, तो फिर इस दिन आएंगे, अब 32 के बाद 40वें दिन आएंगे, 48वें दिन आएंगे, और फिर 56वें दिन आएंगे। तो इन सब का क्या होगा कि भाई एक दिन ऐसा भी आएगा कि तीनों लोग एक साथ मिल जाए। तो देखते हैं अपन भाई तीनों लोग एक साथ कहाँ पर मिल रहे हैं, इस बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की बात करें, यदि इन दोनों की बात करें तो भाई ये तो हर 8वें दिन मिल जाएंगे। देखो इन दोनों की बात करते हो, दोनों लोग बताओ, तो अपन कहते हैं हर भाई 8वें दिन दोनों लोग मिल जाएंगे।
राइट, लेकिन वो तीनों की बात कर रहा है, राइट। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो हर आठ में से लोग मिल जाएंगे, दोनों लोग ये मिल जाएंगे, तो और अपने मदद करते हैं भाई, और कब ये लोग साथ मिलेंगे, 36 हो गया, फिर यहाँ पर 40 हो गया, और फिर यहाँ पर 44 हो जाएगा, और फिर 48, और फिर 52, और फिर 56, देखो इनका भी 56 आ गया। तो एक दिन ऐसा आया, ये देखो यहाँ पर कॉमन क्या आया, यहाँ पर कॉमन आ गया 56, देखो इसमें भी आ गया 56, तो यहाँ भी एक 56 है, ये 56, ये राइट, ये 56 है, करेक्ट। तो एक तीनों लोगों को, जब तीनों लोग यहाँ पर देखा अपन ने कि भाई ऐसा कोई दिन भी है कि जब तीनों एक साथ आएंगे, तो भाई एक दिन ऐसा आया कि जब तीनों लोग एक साथ मिल गए, वो दिन कौन सा था, 56वां दिन, 56 में 56वां, ये 56वां, ये 56वां, देखो तीनों लोगों का 56वां आ गया। तो वह दिन एक 56वां था, 56वें दिन में क्या है, एक 8 का भी मल्टीपल है, एक 7 का भी मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल तो होगा ही, जब 8 का मल्टीपल है 56, तो 4 का भी मल्टीपल होगा, करेक्ट। तो 56वें दिन तीनों लोग एक साथ मिल जाएंगे, करेक्ट है। अब उससे क्या, फिर अब कब आओगे तुम, तो फिर बोलोगे 56वें दिन आएगा अपन, अगले 56वें दिन फिर आ जाएंगे भाई। ये तो क्या, तीनों लोग मोहन, सुरेश और अनंत, तीनों लोग क्या हुआ कि एक 56वें दिन एक साथ आने लगे। अब बोले भाई अब कब आओगे तुम, अगली बार एक साथ कब मिलोगे, तुम बोले अगले 56वें दिन फिर मिल जाएंगे, क्योंकि हर 56वें दिन हम लोग एक साथ मिल जाते हैं। फिर बोले आप लोग 56वें दिन, मतलब 56 छोड़ जोड़ देंगे, 112 हो जाएंगे, 112वें दिन आ जाएंगे। फिर बोले फिर कब आओगे, तो बोले फिर 56 जोड़ देंगे हम इसमें, तो 56 का ही मल्टीपल चल रहा, 56 56 होंगे। फिर कब आओगे, तो तीसरी बार कब आओगे, 150 प्लस के 18, तो 168वें दिन भाई। फिर कब आओगे, तो बोले फिर टीचर पूछता है फिर कब आओगे एक साथ, फिर कहोगे फिर 56 में जोड़ देंगे हम इसमें, 56 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 224, 50 चौका 200 और 6 चौका 24। फिर बोले फिर कब आओगे, तुम कहोगे इस तरह तो हम चलते जाएंगे, इस तरह तो हम अनंत तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो तुम नहीं बता पाओगे भैया अधिकतम वो कहीं कौन सा दिन होगा जो लास्ट बार आओगे, बता सकते हो क्या भैया, इस तरह तो बहुत आखिरी बार मिलते जाओगे आप लोग, हर 56वें 56 जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे, तो 56 का पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, पाँच छठवां, अनंत तक चलता जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा दिन, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये अनंत आ जाएगा और अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस तरह। तो इसीलिए जब चीज़ों को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे भाई कौन सा दिन होगा कि अधिकतम, इसलिए तो अधिकतम ही कहा गया, इसको क्या गया लोएस्ट कहा गया, तो भाई कम छोटा दिन बताओ, अधिकतम तो बता नहीं पा रहे क्योंकि वो तो चलता जाएगा नंबर, इसलिए अपन क्या लोएस्ट वाला बता सकते हैं, लोएस्ट वाला, ये इसे बोला गया एलसीएम, क्या बोला गया एलसीएम, समझ आई कि नहीं, एलसीएम का कैसे उद्घाटन हुआ, लोएस्ट, इसलिए लोएस्ट बोला गया, छोटा छोटा है, कॉमन है, कॉमन मतलब तीनों का मैच खा रहा है, और मल्टीपल है तीनों का मल्टीपल, तो 56वें क्या क्या है, 56वें एक साथ भी है मौजूद, 56वें क्या है, साथ भी मौजूद है और एक आठ भी, इन दोनों बड़ा करके बना है, साथ भी है ये साथ है और आठ भी है ये आठ है, तो चार तो जब हो गई, जब आठ है इसमें, तो इसमें एक चार भी है कि नहीं है, जब आठ का भाग जाता है संख्या में, तो चार तो जा गई क्योंकि चार एक क्या है, फैक्टर है, करेक्ट है। तो एलसीएम के बारे में अपन ने समझा क्या, जब तीनों लोगों को एक साथ मिलाया गया, वो दिन जब तीनों लोग एक साथ आ जाए वो छोटा, अब बड़ा तो बहुत बार जाएगा लेकिन छोटा होगा, ये एलसीएम की सिंपल सी डेफिनेशन है, इससे बेस्ट डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप सर्च कर लेना, ये सबसे सिंपल आपको हमने एलसीएम के बारे में बताया है। और जो एलसीएम जो निकल के आएगा, ये तीनों का मल्टीपल होगा, तीनों का भाग जाएगा उसमें, देखो 56वें तीनों का भाग जाएगा, 7 का भी जा रहा है 56वें, 8 का भी भाग जा रहा है और 4 का तो जाएगा, राइट है, तो वो एलसीएम बोला जाता है, करेक्ट। तो समझ आ गई एलसीएम के बारे में, अब अपन एक एग्जांपल के थ्रू एलसीएम को पूरे डिटेल में समझ लेते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से इनके नोट्स बनाओगे और एक अलग अप्रोच दे रहे हैं हम आपको, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। चलिए अब अपन एलसीएम के बारे में समझते हैं, अपन ने समझा इसके आप नोट्स बना लोगे और इस वीडियो को दो तीन बार देखा करो, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार देखो, तीन चार बार रिविजन करना आपको प्रत्येक वीडियो को, जितनी बार आप रिविजन करोगे, रिवाइज करोगे, नोट्स बनाते जाओगे, इससे क्या होगा कि आपकी
आप बार बार रिवाइज करोगे, इससे आपके बार बार माइंड में नई चीजें जुड़ती जाएंगी और विचार करते जाओगे, सोचते जाओगे हम और क्या सोच सकते थे। आपने लोअर एलसीएम के बारे में ये समझा कि भाई कॉमन मल्टीपल होता है जिसमें तीनों संख्याओं को भाग चला जाता है और छोटा से छोटा होता है, ठीक है। तो अपने एक सिंपल सी लेते हैं, अपन मान लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं नंबर कोई भी एक ले लेते हैं, 10 और 20 ये दो संख्या है, ठीक है। तो हमने पूछा भाई इनका एलसीएम बताइए, तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दो लोग हैं, यह 10वें दिन आ रहा है, यह 20वें दिन आ रहा है, तो ऐसा कौन सा दिन होगा जब तीनों लोग एक साथ, दोनों लोग एक साथ आ जाए, तब कहोगे भैया 20वां दिन होगा। एलसीएम क्या होगा संख्या का, 20 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई 20वें दिन 10 और 20 दोनों मिल जाएंगे, राइट। तो 20 क्या है, 20 जो 10 है ये 20 है, आप कहोगे 20वें दिन भाई 10 भी आएगा और 20 तो 20वें दिन आएगा ही, और ये पहला बंदा है ये दूसरा बंदा है, दो लोग हैं, दो लोगों का अपने का 10वें दिन आ रहा है 20वें दिन आ रहा है, तो वो कौन सा दिन होगा जब तीनों दोनों लोग एक साथ मिलेंगे, तो आप कहोगे 20वां दिन। तो 20वां दिन, तो ये 10 क्या है, 10 इसी का एक फैक्टर है, 10 क्या है जो 20 है ये 10 इनपे 2 से मिलकर बना है, तो 10 भी क्या है जब 20 में भी 20 जो निकल के आ रहा है, 20 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी भाग इसमें जा रहा है 20 में, करेक्ट है। जब 20 में दोनों संख्या का भाग जा रहा है तो उसे बोला गया है एलसीएम। अब समझ में आई कि नहीं आई? अब बोले अब तो ये हो गया लोएस्ट, अब अगला वाला यदि पूछा जाए तो फिर 20 जोड़ दोगे तो 40वां हो जाएगा, 40वें दिन दोनों लोग मिलेंगे, लेकिन इस तरह तो बढ़ते जाएंगे, इसलिए छोटा से छोटा पूछा जाता है, लोएस्ट बोला जाता है। भाषा में ही सब कुछ छुपा हुआ है, लोएस्ट एल माइनस छोटा, लोएस्ट ठीक है, कॉमन है, कॉमन है दोनों संख्याओं का, 10 और 20 का कॉमन है, और मल्टीपल है, मल्टीपल माने दोनों संख्याओं का भाग जाता है इसमें 20 में, ठीक है। तो आप भूल गए भैया, इसका मतलब तो ये हुआ कि छोटा छोटा हम बता सकते हैं, बड़ा से बड़ा तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हर 20-20 का मल्टीपल होता जाएगा, वो तो फिर 40 होगा, फिर 60 होगा, फिर 80, फिर 100, इस तरह बढ़ता जाएगा 20-20 से करते हुए अनंत तक चला जाएगा, तो अपन बड़ा वाला नहीं बता सकते, करेक्ट। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अभी आपने ये समझा कि भाई अब देखिए इसके बारे में समझा, आपने कहा भैया एलसीएम आ गया 20 समान है, कितना आ गया एलसीएम 20 आ गया, राइट। अब जो एलसीएम निकल के आता है, एलसीएम के बारे में समझ लेते हैं, एलसीएम देखो 20 क्यों निकल के आया, क्योंकि दो संख्याएं थी आपके पास 10 और 20, दो संख्याएं थी 10 और 20, राइट, 10 और 1 20 दो संख्याएं थी आपके पास, 20 एक आपने आ गया, तो 20 क्यों आ गया, क्योंकि ये जो 10 है ये 10 20 का एक मल्टीपल है, जब कभी संख्या मिले आपको कि मान लीजिए कि उसी का एक मल्टीपल है तो वो संख्या पूरा का पूरा आ जाती है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हमने कहा 50 का बताओ, 100 का, 100 इन दोनों का एलसीएम बताइए, तो आप क्या कहोगे भाई 100 में 50 का भाग जाता है, ठीक है, तो 100 है भाई अपना एलसीएम हो जाएगा, भाई 50 क्या है 100 का ही तो एक फैक्टर है, 100 में 50 का भाग जाता है, ठीक है, 100 कैसे मिलकर बना, 50 × 2 से, ये 2 से, राइट, दोनों संख्याओं का भाग जाता है, 25 का भी जाता है, तो अपन को तो इन दोनों का बताना है, तो अब क्या होगा 100 ही हो जाएगा, यदि हम आपको तीन संख्या दे दें इस तरह, समझ में आ रही, तीन संख्या दे दें, एक 50 दे दी, एक 100 दे दी, एक 25 भी दे दी, एक 20 भी दे दी, हमने पूछा अब इनका फैक्टर बताओ क्या होगा, इनका एलसीएम बताइए क्या होगा, तो हमको तो वो संख्या चाहिए जब चारों संख्या को भाग चला जाए, राइट, चारों संख्याएं एक साथ मिले, तो भाई आपने कहा ये जो 100 है 100 में तो दो 50 का ही भाग जाता है, इस 25 का ही भाग जाता है और 20 का ही भाग चला जाता है, तो 100 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, लोएस्ट है, राइट। तो अब समझ में आया कि मतलब हमको इस तरह भी चीजें देखनी है कि बाई संख्या भी देखना है, यदि कोई इसका ही 100 का ही एक फैक्टर है और 100 का ही ये फैक्टर है, 100 का ही फैक्टर ये भी है, यदि इस तरह कोई फैक्टर है तो वो जो बड़ा संख्या होती है भाई हमारा एलसीएम हो जाएगी, करेक्ट। अब वो कई ले ले, 5 ले ले, यहाँ पर 10 ले ले, तो 10 में ही भाग जाता है, 10 का ही भाग जाता है, 5 का ही भाग जाता है, तो वो सही रहेगा आपका फैक्टर एलसीएम, करेक्ट है। एलसीएम के बारे में और समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको एक नंबर दे रहे हैं एलसीएम के बारे में, सुनाएंगे एलसीएम अपन समझ रहे हैं, एलसीएम के बारे में अपन हमने कहा भाई दो संख्या है आपके पास, एक मान लीजिए 30 और एक मान लेते हैं 40, दो संख्या है, हमने पूछा भाई एलसीएम बताइए क्या है,
तो सबसे पहले आपको समझना है कि भाई इसमें 30 और 40 के 40 में 30 का भाग जाता है नहीं जाता, राइट। तो हमको दो संख्याएं ऐसी, दो एक नंबर ऐसा चाहिए कि दोनों संख्याएं एक साथ मिले, दोनों लोग एक साथ आए। तुम कहोगे भाई हम करते हैं, अब कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो 40 का पहाड़ आप लोग 40 दूनी 80 के 80 में दोनों का भाग जाता है नहीं जाता है, 40 दिया 120, तो 120 में 30 का भी जाता है और 40 का भी जाता है। 120 एक नंबर प्राप्त हुआ इन दोनों से, इन दोनों में 40 का भी जाता है और 30 का भी जाता है, राइट है। तो अपना 120 ही रेलसियम हो जाएगा। क्या किया अपन ने, इसको अपन ने पढ़ा, इसका पहाड़ा पड़ा 40 का तीन बार, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, और चेक करके देखते गए हम 80 में चेक किया नहीं जा रहा, 40 दिया 120 इसमें चेक किया 30 का भाग दिया 120 में 30 का भाग चला जाता है। तो अपन कहेंगे 120 हमारा ऐसे होगा क्योंकि एलसीएम 120 में दिन दोनों लोग एक साथ मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120। अच्छा आप लोग कैसे निकालते थे, ट्रेडिशनल तरीके से कैसे निकालते थे, इस तरह निकालते थे आप लोग, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, इस तरह आप निकालते थे, करेक्ट है, और इस तरह आप हल करते जाते थे, तब आप आपस में गुणा करते थे और बताते थे एलसीएम ये है इसका, करेक्ट है। अब अपन नए प्रकार से सोचते हैं चीजों को, करेक्ट है, कैसे सीखते हैं, नए प्रकार से चीजों को देखते हैं इसी संख्या को। अभी तो अपन ने बताया कि भाई पहाड़ा पढ़ लेंगे इसका और उत्तर यदि आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपन, अब मान लीजिए कई संख्या ऐसी भी होंगी जिनका पहाड़ा पढ़ना दिक्कत हो जाएगी, आपको दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई कि हम किस तरह पहाड़ा पढ़ा, थोड़ा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड संख्या होगी, कठिन संख्या होगी, तो हमें दिक्कत हो जाएगी आपको। तो क्या करना है, देखो आपको इनको तोड़ लेना है, तोड़ना कैसे है, देखो आपको ये दिख रहा है, आपको तोड़ लेना है, तोड़ना कैसे है, हमने आपको सिखाया फैक्टर, जब हमने आपको पढ़ाई थी तो फैक्टर में हमने आपको बताया था कि तोड़ लेना है। तो कैसे दिख रहा है, कोई जीरो क्या होता है, दो एक पाँच मिनट का बना था और तीन, करेक्ट है, इसको कैसे तोड़ लेना है आपको, जीरो कैसे मिल गया, दो और पाँच से मिलकर बना है, और ये चार, चार भी आपका इलेक्ट्रिक है, चलिए ठीक। अब हमने पूछा भाई इस तरह आपने तोड़ लिया, क्या किया, तोड़ लिया, करेक्ट है। तोड़ने के बाद आपने कहा कि भाई हमको हर नंबर इन सबका एलसीएम बताना है, इस संख्या का और इस संख्या का, तो आपने कहा तोड़ लो इनको, हमने कहा इनको फैक्टर के रूप में हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने दो हैं बताओ, दो की पावर तीन है, कितने दो हैं, तीन है, तो जो बड़ी घात है वो रख लेंगे हम, बड़ी घात है दो की पावर तीन, यहाँ पर दो कितने हैं, एक दो मौजूद है, यहाँ पर कितने दो मौजूद हैं, तीन, तो यहाँ दो की पावर तीन रख लेंगे आप। और क्या मौजूद है, आप कहोगे भैया यहाँ पर एक तीन भी है, क्या यहाँ पर है तीन, नहीं है, तीन भी रख लो, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पर तीन की पावर दो होता है, तीन की पावर दो रख लेते हैं यहाँ पर, फिर आप बोले पाँच भी है भैया, यहाँ भी पाँच है तो ये पाँच भी रख लो, क्योंकि सब दोनों में होना चाहिए वो चीज़ मौजूद, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका ये एलसीएम आ जाएगा। अब गुणा कर लो, देखो ये दो तीन आठ और ये पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह थे 120, क्या समझ में आया, मतलब हम इसको इस तरह फैक्ट तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ी घात होगी उसको रखते जाएंगे, ठीक। एक और समझाते हैं, सो ये आपकी पूरी क्लियरिटी एलसीएम के बारे में समझ में आ जाएगी, और कल अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो जो बच्चे को चाहिए क्लियरिटी वो भी पूरी हो जाएगी, मतलब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, आप चैलेंज है, बेस्ट से बेस्ट दूंगा मैं कल। आइए देखो अब हम संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 60 और एक ले लेते हैं 50, ठीक है। हमने पूछा इन दो संख्याओं को क्या बताना है, एलसीएम बताना है, मतलब दोनों संख्याएं कब होंगी, जब तीनों दोनों संख्याएं एक साथ मिले। तो आप अब तुरंत पहले से दिमाग में सोच लो कि वो कौन संख्या होगी, जब दोनों एक साथ आए तो आपको 60 का तीन और पाँच बार 60 6 5 300, 300 में 50 का यहाँ जाता है, 60 का भी जाता है, 60 का पढ़ा पड़ा हमने तीन पाँच बार तो 300, तो आप कहोगे एलसीएम कितना हो गया 300, खत्म, इतना ही करना है बस। लेकिन अपन को इस तरह भी देखना है और इस तरह भी देखना है। अब कैसे देखना है, यहाँ पर देखो इसके आप फैक्टर करो, क्या करोगे फैक्टर, तो फैक्टर कैसे हो गए, 2 × 5 से मिलकर बना है 0, अब क्या बचा 6, 6 कैसे बना है, 6 क्या रख लिया हमने, 6, 6 में क्या होगा 2 × 3 है ये, ठीक है हो गए। यहाँ देखो 50 में कैसे बना है, 50 बना है एक 2 और 5 से, यहाँ 0 बन गया ये, अब ये 5 हो रहा है, राइट है, करेक्ट, इस तरह आपने कर लिया। अब सबको सबसे बड़ी पावर रखना है आपको, क्या रखना सबसे बड़ी पावर, यहाँ कितने 5 है, 2 5 है, तो 5 की और 2 रख लो,
ठीक है। और क्या रखना है, यहाँ दो कितने, एक दो है, लेकिन यहाँ पे दो, सबसे पहले दो यहाँ पे दो है, एक दिया एक दिया, दो के बाद दो, ठीक है राइट। अब क्या है, पांच बंदे दो यहाँ पर रख लिए, यहाँ पे एक है, तो अपने तो सबसे बड़ा रखना था तो रख लिया, तो यही इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ये एलसीएम तीन और रहेगा, देखो ये तीन और रहेगा, ये तीन तीनों रख लो, यहाँ तो तीन था, तीन रख लिया, सब रख लिया बंदे। अपने क्या करना, बड़ी घात रखना, मतलब इसमें यदि बड़ी घात है तो इसकी इसे इसे पांचवी बार दो यहाँ थी, यहाँ पांचवी बार एक ही था, तो अपने पांचवी बार दो रख ली, इसका ये पांच इसमें कवर हो गया राइट। यहाँ अपन को तीन थे, यहाँ तीन है तो तीन भी रख लिया, यहाँ दो की पावर कितने थे, दो थे, यहाँ दो की पावर एक था, तो मैंने दो की पावर दो भी रख लिया खैर, तो ये दो का कोई काम नहीं रहा ठीक है। अब अपन डायट करेंगे, सीधा डायट करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह, देखो अब इसका ये हो गया एलसीएम, सब रख लिया अपन, ये एलसीएम हो गया इसका, इस संख्या में तीनों दोनों संख्या में भाग जाएगा, देखो ये 25 इंटू 4 इंटू 3 100 300, समय जैसे क्या हो जाएगा 300 करेक्ट। एक और, अब अपन इस बार पेन नहीं चलाएंगे, क्या करेंगे इस बार पेन नहीं चलाएंगे, और आपको एलसीएम बताना है, पहले आप लोग बताओगे फिर उसके बाद हम आपको सॉल्व कराएंगे, समझे, बड़ी घात रखना है अपन को राइट। देखो अब हम आपको दे रहे हैं एक एलसीएम, 27 संख्या ये 27 है, और फिर दे रहे हैं आपको 8, और फिर दे रहे हैं आपको 15, और एक संख्या और है, एक संख्या हम ले लेते हैं 6। तो आपको बताना है कि एलसीएम क्या बताना है, एलसीएम ठीक है, देखो ये संख्या राइट। अब देखो पेन चलाना है, इस बार पेन चलाएंगे हम, और थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन को देंगे उत्तर देंगे, देखो कैसे, यहाँ कितने हैं, तीन की पावर तीन है, कितने हैं, तीन की पावर तीन होता है ठीक है, तो अपन सबसे बड़ी पावर रख लेंगे, सबसे बड़ी पावर कितनी, तीन की पावर तीन, तो सब तीन की पावर तीन और कहीं नहीं है, देखो तो तीन की पावर तीन रख लिया, सबसे बड़ी घात रख ली तीन, अब जितने भी तीन होंगे इससे बड़ी कोई तीन नहीं है, तीन की पावर तीन और कहीं नहीं है करेक्ट। इसमें देखो कितने, दो की पावर तीन है, आठ कितने देख रहे हैं आप, दो की पावर तीन, तो दो की पावर तीन ये भी रख लो ठीक है, ये भी रख लिया अपने, दो की पावर तीन करेक्ट है राइट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको, पंद्रह में, पंद्रह में क्या होता है, तीन और पांच एक, यहाँ पे एक तीन है, आप लोग तीन सबसे बड़े तीन रख लिए, तो इस तीन की कोई जरूरत नहीं है आप करेक्ट है, इस तीन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने तीन की पावर तीन जो बड़ी घात यहीं पर ले ली, यहाँ पे ले ली, तो यहाँ पर तीन की पावर तीन का, इस तीन का कोई जरूरत नहीं है, इस तीन का कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर क्या लेंगे, पांच बचा, पांच लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर पांच नहीं था। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर छह, छह कैसे बल्कि होना है, दो इंटू तीन से, तो अपने एक यहाँ पे एक दो है, अपन दो रख लिए हैं, बहुत ज्यादा रख लिए हैं, और तीन क्या है, तीन एक है, यहाँ पर तीन अपने ऑलरेडी रख लिए, तो इस छह का भी कोई यूज नहीं है, इस छह का कोई यूज नहीं है, समझ आएगी नहीं, इस छह का कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपन दो रख चुके हैं, दो की पावर तीन रख चुके हैं, तो इस दो का कोई मतलब नहीं है, तीन की पावर तीन रख लिया है, तो इस तीन का कोई मतलब नहीं है, फिर तीन नहीं रखना राइट। ये इसका एलसीएम हो जाएगा आंसर। देखो आप कैसे करोगे, आप एक पांच और यहाँ पे एक दो दे दो इसको, तो यहाँ कितना बचेगा, तीन की पावर तीन, ये दो की पावर दो, और एक दो यहाँ दे दिए, तो दस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दस, अलग उत्तर हो जाएगा, ये दस बन गया, ये जीरो, यहाँ देखो सत्ताईस, सत्ताईस चौको कितना होता है, सत्ताईस दूनी छः, चौवन, चौवन दूनी 108, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ये एलसीएम आसान था, समझ में आएगा नहीं है राइट। कल अपन इसके बहुत सारे एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद एलसीएम समझेंगे। आपको एक बार समझना है कि इन तीनों लोगों को एक साथ कब आएंगे, तो 1080 दिन होगा, जब तीनों एक दिन तीनों लोग मिलेंगे, उसे बोलते हैं एलसीएम। अब इस संख्या में इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा, ठीक है, ये सबसे छोटा है, अब इसी का एक और ले लो, दो का गुणा करके बड़ा, बड़ा से बड़ा बढ़ता जाएगा, तो बड़ा वाला नहीं, इसलिए अपन बड़ा नहीं कहते, इसको छोटा कहते हैं, क्योंकि छोटा बताना आसान है, बड़ा नहीं बता सकते, इसलिए लोएस्ट बोला जाता है। तो समझ आई, कल अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक के लिए।